सुबह की हो गई है बेहतरीन शुरुआत और हम आ गए हैं निधिवन। इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल माहौल है यहाँ पे। तो भाई ये हम लोग आ गए यमुना जी के तट पे और काफी खूबसूरत नजारा है ये देखो आप यहाँ से। कि गूगल मैप के भरोसे आप नहीं पहुंच पाओगे यहाँ, ऐसा सीन है भाई, यहाँ टोटल उल्टी चीज चलती है। यहाँ गूगल जो बता, नंगे पैर आने का डिसीजन बहुत टफ था, लेकिन कम्प्लीट किया। और ये हमारा प्रेम मंदिर जो भाई सुबह की हो गई है बेहतरीन शुरुआत और हम आ गए हैं निधिवन। हम लोग रेडी हो गए थे और टाइम बहुत ज्यादा लग गया, सुबह के 6 बज गए फिलहाल। ये जा रहे हैं हम अंदर की ओर। राधे राधे। बंदर आ चुके हैं, मैं ये रख रहा हूँ फोन अंदर। यहाँ की लाइन आउट है भाई। यह है श्री निधिवन राज श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल वृंदावन। और यहाँ पे देखो, यहाँ शूज रैक वगैरह बनी हुई है, अगर शूज रखना है तो रख सकते हैं। ये वानर सेना आ गई है, जिससे आपको फोन बचाना बहुत जरूरी है, हर जगह आपको दिखेगी वानर सेना। और यहाँ से एंट्री अंदर के लिए, तो बस चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से अब अपन अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा शेड लगा हुआ है ताकि बंदरों का हंगामा ना मचे। ये देखो ऐसा कूदा फांदी करते हैं भाई, डर ही लगता है। यहाँ पे दर्शन करने मंदिर में, और यहाँ भीड़ देख सकते हो आप, सुबह के 6 बजे भी काफी भीड़ है यहाँ पे। हम लोगों के बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। अगर आप लोगों को भी आना है तो आप सुबह का समय चूज कर सकते हो, क्योंकि सुबह के समय आपके बहुत अच्छे दर्शन होंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की दूसरी लोकेशन पे। नॉमिल भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, चलो। भगवान से जो प्रेम होता है वो यहाँ पे नजर आता है भाई लोगों में। राधे राधे बोलते के सब चलते हैं। देखो यहाँ पे डॉग घूम रहा है। और ये पुराने समय का दरवाजा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत बना है भाई ये। मतलब रैंडमली हमारा प्लान बना, कभी आने का सोचा ही नहीं था, और एकदम से किस्मत यहाँ ले आई। काफी ज्यादा खूबसूरत बना है ये एरिया। ये देखो राधा रमन मंदिर, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल माहौल है यहाँ पे। मतलब मैं आगरा से काफी बार निकला हूँ, पास हुआ हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाया संयोग कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ। और इनफैक्ट मैंने ब्लॉग में बोला भी है कि भगवान कृष्ण जी इतना प्रेम करता हूँ मैं आपसे, आप कब बुलाओगे? क्योंकि मुझे कान्हा जी से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट है, बट कभी बुलाया नहीं उन्होंने यहाँ। लेकिन आज इस बार कुछ अलग ही सीन चल रहा था लाइफ का, और अलग ही सीन चलते चलते उन्होंने यहाँ बुला लिया। मतलब कहीं से कोई प्लान नहीं था, रैंडमली आ गए। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि श्री राधा रमन जी का मंदिर बंद है भाई। मैंने सोचा यार यहाँ भीड़ नहीं दिख रही, काफी कम भीड़ थी, तो मंदिर बंद है। हम लोग बाद में आएंगे, पता करते हैं यहाँ पे कितने बजे इसका टाइमिंग है। यहाँ वृंदावन में ऐसा है कि जितनी भी मंदिर है उनका अलग अलग टाइमिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए खुलते हैं, तो कई बार ऐसा है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो भी दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत टाइमिंग्स का यहाँ पे इशू हो जाता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम ही है जब भगवान के आप दर्शन कर सकते हो, और वो सही भी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि जो भक्त दूर से आते हैं जैसे हम, लेकिन हमें कुछ लिमिटेड टाइम मिलता है और उसी में सब घूमना रहता है, तो वो थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है। बट लेकिन मजा आया, बाहर से दर्शन हो गए गेट के, वही सुकून है। पूछेंगे वैसे अगर टाइम रहा तो हम डेफिनेटली यहाँ शाम को विजिट करेंगे। तो भाई ये हम लोग आ गए यमुना जी के तट पे और काफी खूबसूरत नजारा है ये देखो आप यहाँ से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नजारा है। और यहाँ दूर दूर तक पानी है, आगे हरियाली दिखाई दे रही है, बीच में नाव भी दिखाई दे रही है। आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, बोटिंग तो हम नहीं करेंगे। पहले जाके मंदिरों के दर्शन करेंगे और शाम को फिर यमुना जी की आरती अटेंड करेंगे, तब जरूर हम लोग बोट से कर सकते हैं चीजें प्लान आउट। बहुत पीसफुल नजारा है भाई। ये आ गया है अपना समोसा और कचौरी दोनों का मिक्सर, तो 30 रुपीज का मिलता है यहाँ पे। और यहाँ का फेमस था स्ट्रीट फूड में, तो मुझे किसी ने बताया था ये ट्राई करना, तो ये ट्राई करने वाले हैं अपन। राधा वल्लभ जी महाराज टेम्पल हम अभी आए हैं, और गूगल भाई इतना कंफ्यूज कर रहा था। चलो पहले यहाँ चलते हैं अपन, फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ भाई। यहाँ पे सीन ऐसा है कि भाई यहाँ पे आप गूगल मैप के भरोसे मत आना, क्योंकि गूगल मैप के भरोसे आप नहीं पहुंच पाओगे यहाँ, ऐसा सीन है भाई। यहाँ टोटल उल्टी चीज चलती है, यहाँ गूगल जो बताता है वो अलग होता है,
और जो एक्चुअल में होता है वो अलग होता है। मतलब भाई हम बहुत कंफ्यूज हुए गूगल के कारण, और ये बिल्कुल अपोजिट साइड है सारी चीजें, तो पूछ पूछ के जाओ वो बेटर है, गूगल के भरोसे मत चलो भाई। तो भाई ये है बांके बिहारी जी का मंदिर जहाँ हमने दर्शन कर लिए, और बहुत ही बढ़िया मंदिर था। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ देख रहे हो आप भीड़ कितनी ज्यादा हो रही है भाई, जितना ज्यादा समय बीतते जा रहा है भीड़ होती जा रही है। अभी फिलहाल 9 बजे हैं सुबह के, लेकिन अब आप ट्रैफिक देखो भाई, लोगों का ट्रैफिक काफी ज्यादा। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। भीड़ भड़कके से निकलने के बाद हम आ गए हैं इस्कॉन वृंदावन, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है भाई। लुक एट दिस, ये देखो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। भाई यहाँ पे ऐसा है कि अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई है कृष्ण जी की, और यहाँ पे वो सारी स्टोरीज बताती है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है स्टोरी, जब माता कहते हैं कि कान्हा तुमने माखन खाया, वो बोलते नहीं मैंने नहीं खाया, और उसके बाद जब उनका मुंह खोल के देखते तो उनको पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि नजर आती है, तो वो एकदम बेहोश हो जाती है। तो ये वो सीन है जब वो बांध देती है कान्हा जी को। और यही इसी तरीके से आगे आगे आप देखोगे तो अलग अलग चीजें बयां की हुई है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये मंदिर, ये देखो राधा रानी के साथ। तो भाई नंगे पैर आने का डिसीजन बहुत टफ था, ट्रेन कंप्लीट किया, लेकिन ये जो है ना यहाँ के प्रेम मंदिर के, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और ये रैदर देन दिस, तो ये स्पेशल हो गए तो फ़ायदा रहेगा। और ये हमारा प्रेम मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है यार, मतलब लिटरली यहाँ के एक अलग पीसफुल माहौल फील हुआ। एक दिन में वृंदावन अगर घूमना चाहते हो तो जो जो एरियाज मैंने कवर किए हैं वो आप भी कर सकते हो, और टाइमिंग जो मैंने यूज़ किया है वो आप भी कर सकते हो। अभी भी हमारे पास टाइम है, मतलब अगर रात में आके हम सो गए होते 6 बजे तक, तो फिर अभी बहुत सारी और चीज़ें अलग एक्सप्लोर कर सकते थे। वैसे यहाँ जैसा कि मैंने बताया टाइमिंग का बहुत इशू है मंदिर के, जैसे ये भी बिल्कुल एंड वक्त पे मैं घुसा हूँ और फिर उसके बाद एंट्रीज बंद हो गई थी, तो टाइमिंग्स आपको देख के चलना पड़ेगा तब आप सारे मंदिर कवर कर पाओगे, क्योंकि कुछ मंदिर कुछ टाइम पे खुले रहते हैं, कुछ मंदिर कुछ टाइम पे बंद रहते हैं, वैसा सीन है। तो अभी तो मज़ा आया, और बाकी अब यहाँ से मथुरा जाने का प्लान है, तो थोड़ी देर जाते हैं हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो चुका है कि हम कंटिन्यू जग रहे हैं, सोए भी नहीं 48 घंटे से, और अब फाइनली जाने का मौका है, तो जाएंगे रूम पे सोएंगे थोड़ी देर और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से मथुरा के लिए। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। तो भाई फिलहाल ऐसा है कि हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, हम आ गए हैं मथुरा जन्मभूमि कृष्ण जी की, और यहाँ पे हमारे सामने है ये देखो बहुत ही शानदार दिख रहा है। रात में जो लाइटिंग्स आई है वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब देखते हैं यहाँ प्रसाद चढ़ेगा कि नहीं कई मंदिरों में, क्योंकि प्रसाद चढ़ नहीं पाता और वहाँ चढ़ाया नहीं जाता, तो ऐसे छू के वापस दे देते हैं, बट लेना तो अपना कर्तव्य अपन ले लेते हैं। बाकी काउंटर चाहिए मुझे जो नंबर्स आते रहते हैं, ऐसे माला जाप करते हैं अपन, तो माला में कई बार अपन नंबर्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जैसे लंबे जाप करने हैं 1000 से ऊपर के जाप करना है, तो मैं सोच रहा हूँ वो काउंटर मिल जाएगा तो अपना काम इजी रहेगा, क्योंकि वो टप 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 टाइप करते रहते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ जगह देखा था, लेकिन मैंने सोचा मथुरा से ही लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे पेड़े वगैरह घर के लिए और भी चीज़ें लेनी है। तो ठीक है पहले ये करते हैं फिर मंदिर जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने 9 बजे तक बंद हो जाता है, और उसके पहले बहुत तेज भूख लग रही है, तो फिलहाल कुछ चाट वगैरह देखते हैं, रोमिल भाई भी ढूंढ रहे हैं, चाट मिल जाए क्योंकि यहाँ की फेमस है, कि भाई किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ तो चाट जरूर खाना, तो एक बार वो ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर अंदर जाते हैं दर्शन करने। यहाँ पे क्लोक रूम बना हुआ है जहाँ पे आप सामान जमा कर सकते हो, तो हम लोगों ने वहाँ पे सामान जमा करा दिया, और यहाँ पे आपको फोन जमा करना है इस वाले काउंटर पे, तो फिलहाल अपन जा रहे हैं फोन जमा करने, स्मार्ट वॉच जमा करने, और उसके बाद वॉलेट, और ये तो आप कैरी कर सकते हो प्रसाद। भाई हम लोगों के दर्शन पूरे हो गए और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, अंदर कारागार है जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे, जो जन्म स्थल है वो अंदर बना हुआ है, तो आप लोग जब भी मंदिर के दर्शन करोगे तो मेन मंदिर के लेफ्ट साइड पे ही आपको वो एरिया दिख जाएगा,
शॉप्स के बाजू से जा रहा है, वहाँ पे आप हमेशा जाइए। और वहाँ जाके भी एक अलग सुकून था, वहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अलग थी। मतलब मंदिर की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बहुत अच्छा था, मज़ा आया। अब फिर हम देख रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम उस टाइम नहीं खा पाए, मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा था। अब कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर वापस ट्रेन के लिए निकलेंगे। ट्रेन हमारी डिले हो गई, बताओ भाई, 1.5 घंटा डिले दिल्ली से है, तो यहाँ आते आते और टाइम लगेगा। हम लोग फिलहाल आ गए खाना खाने के लिए। ये आ गई है बिरयानी और भाई की आ गई वेज थाली। भाई यूजुअली थाली वगैरह प्रेफर करता है, मतलब ये ना नूडल्स खाता है ना फ्राइड राइस खाता है, ऐसा लड़का भाई। चलो खैर ठीक है, अभी अपन वेज बिरयानी विद रायता ट्राई करेंगे।